आइए और जानकारी लेते हैं कि BSNL के जो कर्मचारी यहाँ पर आए थे इनकी क्या मांगे। सर आपका नाम? मैं PK जैन। PK जैन, हाँ, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी BSNL एम्प्लॉय यूनियन जयपुर। जयपुर से हैं। क्या मांगे सर आपकी? सर ऐसा है कि BSNL में तीसरा वेज रिवीजन 1/1 सप्ताह से लागू होना था जी, और भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि जो PSU घाटे में है पिछले 3 साल से, उनको हम वेज रिवीजन नहीं देंगे। हमारा यह कहना है कि हम भारत सरकार के में थे, हमको ज़बरदस्ती 2000 में BSNL में डाला गया, और फिर भी हमारी कंपनी पिछले 3 साल से लगातार ऑपरेशनल प्रॉफिट कमा रही है। नेट प्रॉफिट जरूर नहीं है, ऑपरेशनल प्रॉफिट कमा रही है। और ये वेज रिवीजन हमारे यहाँ 90% कर्मचारियों का अंतिम वेज रिवीजन है, जो हमको हमारा वाजिब हक मिलना चाहिए। जैन साहब, वो लोगों का मानना है और सरकार का मानना है कि BSNL जो है वो सुविधा जो है सुचारू रूप से नहीं दे पा रही है। मैं कहा बात बता दूँ, आज BSNL है ना, जब ही आप जो संसार की जो सेवाएं ले रहे हो, जो डाटा ले रहे हो, कि आज बाज़ार में चाय 10 रुपये की कप मिलता है, लेकिन डाटा 10 रुपये में 1 GB मिल रहा है महीने भर के लिए, वो BSNL है जब तक ही मिल रहा है। जिस दिन ये BSNL मैदान से हट जाएगा, ये सरकार को डबो देगी, उसके बाद प्राइवेट ऑपरेटर सारे छोटे बड़े ऑपरेटर छोटे ऑपरेटर खा जाएंगे, 2 ऑपरेटर बढ़ जाएंगे, जब वो जो टैरिफ डालेंगे ना, जो हमारी देश जनता बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसलिए BSNL राष्ट्र हित में भी है, हमारे उपभोक्ताओं के हित में भी है। सर आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे, हमारा जो थर्ड PRC है, थर्ड वो मिलनी चाहिए। एक उन्होंने हमारे जो 65,000 टावर हमने खुद ने खड़े करे, हमारे कर्मचारी अधिकारी खड़े करे, उनके अलग टावर कंपनी करके बेचने की साजिश चल रही है, उसके खिलाफत कर रहे हैं। ये 2 हमारी मुख्य मांगे। सभी कर्मचारियों का, सभी पदाधिकारियों का, सभी अधिकारियों का यही मानना है, जो BSNL के जो टावर हैं पूरे देश के अंदर लगभग 65,000 से 70,000 के लगभग लगे हुए हैं, उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए इनकी मांग है कि उनको प्राइवेट नहीं किया जाए। और जैसे कि अभी जियो की बात आती है कि, और यहाँ BSNL की बात आती है, MTNL की बात आती है, उनमें सब में ये देखा गया है कि जो प्राइवेटेशन का दौर है वो बड़े पैमाने पर चल रहा है, क्योंकि जियो जब से आई है और ये इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इनमें सभी अधिकारियों का, पदाधिकारियों का ये कहना है कि जो सरकार है हमारी, जिसके अंडर में जिसके आका हैं, वो इसको प्राइवेटेशन की तरफ लेके जा रहे हैं और इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और इसके अंदर जो पहले एम्प्लॉयज थे जो काम कर रहे थे, उनकी जगह अभी तक कोई भी भर्ती नहीं हो रही है किसी पैमाने पर, किसी भी तरीके से। जो पहले कर्मचारी थे कई लाखों की तादाद में, अब 4-5 लाख की तादाद में, 2 लाख में शायद समट के रह गए, ऐसे लोगों का मानना है और इनकी बातों को जो जायज है कि अगर BSNL अगर किसी तरीके से ख़त्म होता है तो पूरे देश जो गड़बड़ा जाएगा। ये एक सरकार की संस्था है, सरकार की ब्रांच है, सरकार की कंपनी है, इस पर सरकार को गौर देना होगा। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल, पार्लियामेंट स्ट्रीट, दिल्ली से।